उड़ीसा में केंद्र जिले के चंपुआ से खबर आपको बता दें, चंपुआ के लिए अनुमोदित हुआ केंद्रीय विद्यालय का प्रशासन। अलग अलग कारण बताकर चंपुआ से 11 किलोमीटर दूर स्थापना के खिलाफ चंपुआ विकास परिषद ने अनिश्चित काल के लिए बंद का आह्वान कर दिया। बंद का पहला दिन चंपुआ वासी राजनीतिक दल और पूर्व सैनिक संगठन, ड्राइवर एसोसिएशन, बार एसोसिएशन और बुद्धिजीवी पूरी तरह समर्थन किया। दुकान, बाजार एवं सरकारी कार्यालय, जातीय राजपथ और चलने वाले वाहनों को भी वधा प्राप्त हुआ है। डिस्टर्ब करवाने के लिए तुम्हारा परिचय दियो। मरना रितंजलि नायक, राजा ग्रामर जने ग्रुप रो महिला। आज जे तुम्हें एडी बैरिकेड कर छ, आज कोन पे तो बंद कर छ? हमर गोटे केंद्र स्कूल हेबा पई स्कूल खोलने आम जो मीटिंग करूँ पांच दस्तर कनुणी किसी राय हो पारे आम दस्तर दस्खत देलापर भी दस्तर मीट कला कहीं मैंने कलेक्टर किसी शुणुना आम कथ तुम दाबी कौन अच्छे आम स्कूल जमती हूँ आम मान रामला ग्राम दाबी हम छुआ पा पढ़े आल शिक्षा पाइबे लाइफ इम्प्रूव हे बहुत कथ इम्प्रूव हे अन्य लोक को भी इम्प्रूव हे ना सब नाती पुती छुआ तो जुग जुग चलो दिन अधे चलो ना टाइम पास कर ठीक है आ रहा आराम से। तीन बोले 1 2 3। आज जो बंद कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएं। आज बंद का कारण है, ये बहुत ही लंबा लड़ाई है, प्रशासन चंपुआ वासियों का साथ धोखा दिया है और हमेशा अंधेरा में रखा है। और आज ये जो केंद्रीय विद्यालय है चंपुआ, एक ऐसे जगह है जो झारखंड बॉर्डर कर लग करके है और चंपुआ से 30 किलोमीटर रेडियस तक चंपुआ के ऊपर सारे लोग भरोसा करते हैं और सब लोग चंपुआ के ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन प्रशासन क्या किया, चंपुआ में कुछ भी नहीं है, सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए चंपुआ चलता है, चंपुआ का इकोनॉमी चलता है। एक भारत सरकार का माध्यम से, केंद्र सरकार का माध्यम से केंद्रीय विद्यालय 2018 में यहाँ पर आया और उस विद्यालय को यहाँ पर जगह देने के बाद भी प्रशासन उसको हमेरा चंपुआ वासियों को अंधेरा में रख करके यहाँ से 11 किलोमीटर दूर एक जंगल में उस विद्यालय को स्थानांतर किया है। और इस आक्रोश में चंपुआ वासी एकजुट होकर चंपुआ का जितना बसिंदा है प्रशासन का खिलाफ आंदोलन चलाया और जब तक ये विद्यालय यहाँ पर होने का स्वीकृति नहीं देता है सब कलेक्टर महोदय, तब तक चंपुआ वासी इस आक्रोश में आंदोलन चलाएंगे और जारी रखेंगे और चंपुआ वासी झुकेंगे नहीं। और मैं इतना कह के मेरा वक्तव्य ख़त्म करता हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम फैज आलम, मैं एक अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझता हूँ। ये जो लड़ाई है काफ़ी दिनों से चल रही है जैसे भाई ने बताया, और हमारा सिर्फ इतना कहना है ना, हमें किसी से दुश्मनी है या किसी से लड़ाई है, बस जो हमारा हक है हमको वो चाहिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय चंपुआ के नाम से आया है और हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, बस जो हक है हमें मिल जाए, उसके अलावा हमारा कोई टारगेट भी नहीं। क्योंकि चंपुआ जो एरिया है आपको पता होगा, चंपुआ एक जनजाति आदिवासी एरिया, काफ़ी गरीब लोग रहते हैं और उनको एक बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई ऐसी संस्था नहीं है जो उनको बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके। इसीलिए ये लड़ाई चंपुआवासी जारी रखेंगे तब तक जब तक हमें हमारा अधिकार और हक ना मिल जाए। क्योंकि आप एक चीज़ जानते होंगे कि शिक्षा का महत्व तो क्या है, ये लड़ाई कोई राजनीतिक या कुछ नहीं है, ये आम नागरिक का लड़ाई है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना ग्रहण करता वो उतना ताकतवर होता है। तो बस लड़ाई हमारा शिक्षा का है, अगर राइट टू एजुकेशन के हिसाब से हमें ये अधिकार दिया जाएगा और देना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा अधिकार है। धन्यवाद। अच्छा, बंद कब तक करना है? हमारा मकसद यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय हो जाए, बस इतना ही मकसद है। जब शासन प्रशासन हमारे साथ सहयोग करके यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय का स्थापना का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना चालू कर देंगे और हमें एक प्रॉपर आश्वासन दे देंगे के केंद्रीय विद्यालय यहीं पर होगा जो कि चंपुआ के लिए ही आया था, तब हम ये जो हमारा आंदोलन है इसको हम लोग खत्म करते हैं। धन्यवाद।
कुछ जरूरी चीज़ें जैसे मेडिकल सेवा परीक्षार्थियों को छूट दी गई। शांति बनाए रखने के लिए जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। चंपुआ केंद्रीय विद्यालय स्थापना के लिए केंद्र सरकार का अनुदान और केंद्रीय विद्यालयों संगठन की स्वीकृति के लिए जिलाधिकारी को जमीन देने का निर्देश किया गया था। इसके बावजूद दो बार जमीन चिन्हट होने के बाद भी जिला प्रशासन के द्वारा जमीन प्रदान अभी तक नहीं किया गया है। यह आंदोलन 3 दिन के लिए चलेगा और अगर प्रशासन मांग को नहीं मानता है तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा भी कहना है। देखिए आबिद अंसारी की रिपोर्ट, R9 भारत के लिए आबिद अंसारी, चंपुआ।